दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज मैं सर्दियों की स्पेशल रेसिपी सिखाने वाली हूँ आपको। देखिए, मैंने थोड़े गुड़ ले लिए, ड्राई फ्रूट और तिल लिए हैं, और ये थोड़ा नारियल है और ये गुड़, और ये मैं तिलों को फ्राई करूँगी, थोड़ा हल्का ब्राउन करूँगी, और ये मैंने हल्के ब्राउन कर लिए हैं, और ये मैंने निकाल दिए हैं एक थाली पर, और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है रेसिपी। और ये मैंने थोड़ा कढ़ाई में घी डाल दिया है, और ये मैंने इसमें गुड़ डाल दिया मेल्ट करने के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू बनेंगे इससे तिल के, जिससे कि आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। इस तरह से आप बना के खाएंगे तिल के लड्डू, बच्चों को खिलाएंगे, आप खुद खाएंगे, बहुत ही बेहतरीन होते हैं, और सर्दियों में ज़रूर बनाने चाहिए घर में। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये बिल्कुल देखिए गुड़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया मेरा। और अब मैं इसमें तिल और ड्राई फ्रूट और जो मैंने नारियल कद्दूकस करके रखे थे, वो सब मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड करूँगी, और इस करछी को हिलाते रहूँगी। देखिए, करछी को मैं इस तरह से हिला रही हूँ, जिससे कि अच्छे से ये मैश हो जाए, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त गुड़ के पकने की, और इलायची पाउडर डाल के बेहतरीन खुशबू आ रही है। देखिए इस तरीके से, और ये मकर संक्रांति स्पेशल है रेसिपी। देखिए इस तरीके से मैंने ये मिला लिया है, और अब मैं इसको एक थाली पे निकालूँगी, और इसको देखिए मैंने निकाल दिया है, और ये मैंने घी ले लिया हाथों में, और मैं अब इसका घी हाथों में लगा के मैं छोटे छोटे लड्डू बनाऊँगी इसके, बहुत ही बेहतरीन लड्डू बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और इस तरह से आप बना के ज़रूर खाइए दोस्तों घर में, और इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी बच्चों को। और अगर आपको मेरे डिश अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब